हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा स्टडी बाई प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। आपके लिए ये प्रश्न हैं जो ईवीएस के प्रीवियस पेपर से उठाए गए प्रश्न हैं, तो आप अपनी तैयारी देख सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है ए प्लस, ऑप्शन बी बी प्लस, ऑप्शन सी ए बी प्लस, ऑप्शन डी ओ प्लस। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए बी प्लस। यह रक्त के समूह को रुधिर को ग्रहण कर सकता है ए बी प्लस। ओ प्लस जो होता है वह सर्वदाता रुधिर होता है जबकि। ठीक है, प्रश्न नंबर दो पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दो है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर अधिक होता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी ध्रुवों पर। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर यह गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है, और भूमध्य रेखा जो होती है आपकी, भूमध्य रेखा से संबंधित जो रेखा होती है वह पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी भूमध्य रेखा होती है। प्रश्न नंबर तीन, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुछ निहित गुण के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश का अवशोषण। सही आंसर होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न नंबर चार, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन ए, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों का संबंध ध्वनि तरंग से है। कृत्रिम निद्राजनक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी बारब्यूट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ब्यूटेनिक अम्ल, ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी बारब्यूट्रिक अम्ल, जबकि बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। प्रश्न नंबर छः, अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अमलगम, ऑप्शन डी अति संतृप्त विलयन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अमलगम। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है द्रव धातु कौन सी है, तो आपका पारा होगा, एकमात्र द्रव धातु पारा होती है। प्रश्न नंबर सात, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखी हुई है। प्रश्न नंबर आठ पे चलते हैं, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है
ऑप्शन ए भारतीय अंग्रेजी, ऑप्शन बी नागामी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी असमिया। सही ऑप्शन होगा आपका भारतीय अंग्रेजी। हमारे दोस्तों हमारे संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। सही ऑप्शन चुने। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, प्रोटीन कहाँ बनता है? ऑप्शन है आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी प्लास्टिडियम में, ऑप्शन डी माइक्रोकॉन्ड्रिया। सही ऑप्शन होगा आपका राइबोसोम, ऑप्शन बी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 11, डेंगू किसके कारण होता है? प्रश्न है आपका 11, ऑप्शन है विषाणु के कारण, ऑप्शन बी कवक के कारण, ऑप्शन सी जीवाणु के कारण, ऑप्शन डी नेमेटोड के कारण। सही ऑप्शन होगा आपका 11 का विषाणु के कारण। दोस्तों ध्यान रखें, इसका वाहक जो होता है मादा एडीज मच्छर होता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल्ला निस्तार, ऑप्शन बी खान अब्दुल हमायूं खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल्ला अंसारी। सही आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 12 का खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न नंबर 13, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? प्रश्न आपके ऑप्शन है प्रश्न 13 के, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। अगर आपसे दोस्तों पूछे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोवी मरुस्थल है। अगर आपसे दोस्तों पूछे सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 14, कैप्सियन सागर निम्न में से किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन बी रूस और कजाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इजराइल और मिस्र। सही आंसर चुने। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रूस और कजाकिस्तान। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो सुपीरियर झील है जो उत्तरी अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 15, विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सारगासो सागर, ऑप्शन बी पिकोरा सागर, ऑप्शन सी अमुंडेसेन सागर, ऑप्शन डी इरोइस सागर।
सही आंसर चुनें। अगर प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा सार्गेसो सागर, ऑप्शन सही आंसर होगा आपका ए सार्गेसो सागर, यह अटलांटिक महासागर में है सार्गेसो सागर, ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस महाद्वीप के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है? ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 16 का दक्षिणी अमेरिका। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है, और अगर आपसे विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी है। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी कोसियुस्को, ऑप्शन डी यूराल। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यूराल। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो आपके ऑप्शन है माउंट हनांग, ऑप्शन बी माउंट केन्या, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट लंगन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो आपका, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे दोस्तों पूछता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट होती है जो एशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए भारत के उत्तर में, ऑप्शन बी यूरोप के उत्तर में, ऑप्शन सी अफ्रीका के उत्तर में, ऑप्शन डी अटलांटिक के उत्तर में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अटलांटिक के उत्तर में। अगर आपसे दोस्तों पूछता है ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी तो ब्रिटिश दल द्वारा यह खोज की गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस दिनांक का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, ऑप्शन बी 27 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सही आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी। अगर आपसे दोस्तों पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 1947। सही आंसर होगा आपका 1896। प्रश्न नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? यह क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, महान प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रहरी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी।
प्रश्न नंबर 24, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2006। सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए 1972। अगर आपसे पूछता है 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था दोस्तों, प्रोजेक्ट हाथी आया था आपका 1992 में दोस्तों, 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू कुश, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन बी कुनलुन, ऑप्शन डी अरावली। सही ऑप्शन होगा आपका अरावली, भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये। प्रश्न नंबर 27, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी मृदु लोहा। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी पिटवा लोहा। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कोयले निम्न कोटि का कोयला जो होता है कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है निम्न कोटि का। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 28 जनवरी, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 फरवरी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका 28 फरवरी। प्रश्न नंबर 29, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 250, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन डी 253। सही आंसर होगा आपका राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका 552 हो जाएगा आंसर। नंबर 30, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पेडालॉजी, ऑप्शन सी सीमोलॉजी, ऑप्शन बी सेडोलॉजी, ऑप्शन डी ओकोलॉजी। सही आंसर होगा आपका 30 का, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है आपका पेडोलॉजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैल्डेरा, ऑप्शन सी ग्रेसर, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन डी मोहे। ऑप्शन इधर उधर कर दिए हैं, ध्यान से देख के करें ऑप्शन कौन सा होगा। सही आंसर होगा कैल्डेरा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी का मुख पर से निकलने वाले लावा को क्रेटर कहते हैं दोस्तों। जो ज्वालामुखी के मुख पर जो लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही आंसर दोस्तों होगा आपका 32 का ऑप्शन ए अकबर। अगर आपसे दोस्तों पूछे औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी नेपिताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों
ऑप्शन ए मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों मनीला में, मनीला फिलीपींस में। अगर आपसे दोस्तों पूछता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा कटक में है। प्रश्न नंबर 34, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए महेश भट्ट, ऑप्शन बी मुंशी पांडे, ऑप्शन सी विष्णु पांडे, ऑप्शन डी गदाधर चट्टोपाध्याय। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी गदाधर चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 35, पर्यावरण मित्र धातु किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सही आंसर होगा आपका 35 का ऑप्शन डी एल्युमिनियम। अगर दोस्तों आपसे पूछता है पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहते हैं, तो गिद्ध को कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, नवीन जड़ोल मिट्टी को माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन सी भांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी रेगुड़। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 36 के प्रश्न का खादर ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आपसे पूछता है जड़ोल मिट्टी के बारे में, पुरानी जड़ोल कौन सी होती है, तो पुरानी जड़ोल होती है बांगर, नई जड़ोल होती है खादर। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 10%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। नंबर 38, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग दो, ऑप्शन बी भाग चार, ऑप्शन सी भाग पाँच, ऑप्शन डी भाग 18। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भाग पाँच। भाग पाँच में दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अगर आपसे दोस्तों पूछता है भाग दो में किसका है वर्णन, तो इसमें भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। भाग चार में अगर आपसे पूछता है तो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। भाग 18 में आपसे दोस्तों पूछता है तो इसमें आपातकाल का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 39, भारतीय नागरिक अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दो बार, ऑप्शन बी छः बार, ऑप्शन सी चार बार, ऑप्शन डी 8 बार। सही आंसर होगा दोस्तों आपका, अब तक संशोधन जो हुआ है वो 6 बार हुआ है। सही आंसर आपका भी है। प्रश्न 40, लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से हुआ है? तो ऑप्शन है आपके भारत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। लिखित संविधान का प्रावधान जो है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, AP9 पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 42, तीन महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला सागर है, ऑप्शन है काला सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। सही आंसर होगा दोस्तों आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन बी। यह तीन महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला सागर है भूमध्य सागर। तीनों द्वीपों के नाम हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ये तीनों को स्पर्श करता है भूमध्य सागर। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही ऑप्शन है आपका मेरियाना ट्रेंच किस महासागर का में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आपसे पूछता है अटलांटिक महासागर का गहरा गर्त कौन सा है, तो प्लूटोरिका है। हिंद महासागर का गहरा गर्त पूछता है दोस्तों, तो जावा गर्त है। प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। दोस्तों सही आंसर होगा इसका ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय गीत की धुन को किसने तैयार किया था? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय गीत की धुन को किसने तैयार किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी पन्ना लाल घोष, ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। सही आंसर हो जाएगा आपका पन्ना लाल घोष, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46, मधुमेह रोगियों के मूत्र में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन है आपके दोस्तों ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी अमोनिया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूकोज की अधिकता होती है मधुमेह रोगियों के मूत्र में। प्रश्न नंबर 47 आपका लास्ट प्रश्न है। ये सर्वाधिक गांव की संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में गांव की संख्या बहुत अधिक है, सर्वाधिक है मतलब। तो आज की आपको कैसी क्लास लगी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दें आंसर अपना। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था तो उसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में, उसका सही आंसर क्या होगा। जय हिंद जय भारत।